सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं भैया, जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी अपने आप, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सभी तरह की जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वो एक जैसी नहीं होती है। यहां पर भी दोस्तों होते हैं बहुत सारे अलग अलग लेवल्स। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इन्हीं लेवल्स के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कंपनीज है ना वो अलग अलग अपनी कोशिश कर रही हैं कि भैया हम हमारे सेल्फ ड्राइविंग कार जो है मार्केट में लेके आ जाएं, जहाँ पे हमको ड्राइव ना करना पड़े, जो कार है वो अपने आप ही राइट लेफ्ट होती रहे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों SAE यानी कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स ने 2014 में दोस्तों एक चीज सामने रखी, जहाँ पे थे अलग अलग लेवल्स ऑटोमेशन के, कि भाई जो आपकी कार है वो किस लेवल तक काम अपने आप कर सकती है वो ये डिसाइड करेगा कि भैया जो इंसान है उसको सामने स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की जरूरत है या फिर वो पीछे बैठ सकता है ऐसे करके, और कार चलती रहेगी अपने आप। तो यहां पर दोस्तों जो लेवल्स हैं वो हैं 6 अलग अलग, शुरुआत होती है लेवल 0 से, जाते हैं ऊपर लेवल 5 तक। तो आइए देखते हैं कि यहां पे कौन से लेवल का मतलब क्या क्या है और करंटली दोस्तों हम कहां तक प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले जो निकल के आता है वो तो है लेवल 0। कार में कुछ ऑटोमेटिक नहीं है, सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा। चाहे आपको दोस्तों देखना पड़े कि आगे उस कोने में क्या है, पीछे से कौन हॉर्न बजा रहा है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, दोस्तों यहां पे चाहे बात हो कुछ भी काम करने की, सारे काम आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको कार कुछ इमरजेंसी बीप्स या फिर वार्निंग्स देती रहे, लेकिन दोस्तों ये बन जाती है आपकी सिंपल स्टैंडर्ड कार, जहां पे चलाने के लिए जितने भी एफर्ट्स हैं वो सभी ड्राइवर को खुद को करने पड़ते हैं, और जो मॉनिटरिंग है वो भी ड्राइवर को खुद को करनी पड़ती है। दोस्तों इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं लेवल 1 के ऑटोमेशन की, जहां पे होता यह है कि जो कार है वो कोई एक काम एक बार में आराम से ऑटोमेटिक तरीके से कर सकती है। अब यहां पर दोस्तों चाहे बात होती है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल की, जो मैं एक पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जो गाड़ी है वो अपनी स्पीड मेंटेन करती है, अपना जो डिस्टेंस है वो ही मेंटेन करती है, या फिर दोस्तों बात हो सिंपल लेन कीपिंग की, या फिर मान लीजिए सेल्फ पार्किंग सिस्टम्स की, तो वो निकल के आ जाते हैं लेवल 1 में, जहां पे कार कुछ कुछ काम ऑटोमेटिक कर सकती है, लेकिन फिर भी आपको खुद से कार को चलाना है, आपको स्टीयरिंग को पकड़ना है, और जो सारे काम है बाकी सभी वो आपको खुद को करने हैं ड्राइविंग करते समय। दोस्तों इसके बाद आपसे बात करता हूं यहां पे लेवल 2 की, जहां पे करंटली दोस्तों हम जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं टेस्ला के ऑटो पायलट मोड के साथ में, जहां पे सर्टेन कंडीशंस में जो गाड़ी है वो दोस्तों टेक ओवर कर सकती है। यहां पे जो सिस्टम है वो संभालता है दोस्तों गाड़ी का एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग, लेकिन फिर भी इंसान होता है गाड़ी में, जो मॉनिटरिंग दोस्तों है आसपास की वो सभी इंसान को करनी पड़ती है, और इंसान जो है वो हमेशा रेडी होता है कंट्रोल लेने के लिए अगर कुछ भी गलत हो जाए। और यहां दोस्तों ये भी जो सिस्टम है ये सिर्फ कुछ ही ड्राइविंग मोड्स में काम करता है, ऐसा नहीं है कि जो टेस्ला का ऑटो पायलट है वो भैया सभी जगह गलियों वलियों में काम करेगा। यहां पे वो उसको काम करता है मान लीजिए हाईवेज वगैरह पे, और वहां पे भी इंसान का होना जरूरी है, और अगर कुछ हो जाए गड़बड़ तो इंसान दोस्तों इंस्टेंटली कंट्रोल जो है वो अपने साथ में ले सकता है। दोस्तों इसके बाद आपसे बात करता हूं कंडीशनल ऑटोमेशन की, जो कि आता है लेवल 3 में, जहां पे गाड़ी जो है वो लगभग सभी काम अपने आप कर रही है, जो मॉनिटरिंग है वो भी अपने आप कर रही है, लेकिन ये दोस्तों पहली बात तो सभी कंडीशंस में नहीं है, कुछ सिलेक्टिव एरियाज में है, और उसके अलावा दोस्तों यहां पे जो ह्यूमन है उसका कंट्रोल लेना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन इतना अर्जेंट नहीं होता है। यानी कि अगर मान लीजिए गाड़ी जो है वो कुछ समझ नहीं पा रही है, तो ऐसे में अगर कुछ वार्निंग आती है तो ऐसा नहीं है कि आपको एक सेकंड के अंदर स्टीयरिंग पे हाथ डाल देना है, वो आपको बोलेगा कि भाई आपको बहुत जल्दी कंट्रोल लेना पड़ सकता है, फिर मान लीजिए 10 सेकंड का आपको एक वार्निंग सिस्टम देगा, लेकिन जो कार है वो मॉनिटरिंग खुद से करेगी, वो चलेगी भी खुद, आप बैठे रहो, आप देखते रहो, अगर आपका जो मूड है वो आप काम करते रहो, जैसे आपको कार बोलती है कि भैया अब जो है वो मेरे बस की बात नहीं है, अभी आप चलाओ, तो बाद में उसको जो ड्राइविंग है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार है वो सभी जगहों पे ये सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे फिलहाल हम लेवल 3 में ऑडी का जो नया A8 का मॉडल है वहां पे दोस्तों हैं, टेस्ला ऑटो पायलट बन जाता है लेवल 2 में। लेवल 1 पे आपको मालूम है कि जो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह जो बहुत सारी गाड़ियों में आता रहता है वो है, और लेवल 0 पे तो कोई भी एक नॉर्मल कार है। दोस्तों इसके बाद में बात मैं आपसे करता हूं लेवल 4 की, जो कि है हाई ऑटोमेशन। यहां पे दोस्तों फिलहाल काम कर रहे हैं गूगल और वेमो। इसके अलावा दोस्तों यहां पे और बहुत सारी कंपनी जो कि प्लान करती हैं कि वो आने वाले कुछ सालों में लेके आ जाएंगी लेवल 4, जिसको हम कहते हैं हाई ऑटोमेशन, और यहां पे दोस्तों सारा काम गाड़ी खुद से करेगी। यानी कि
रहेगी, वो चलेगी खुद, रुकेगी खुद, सारे काम खुद से कर रही है, जो मॉनिटरिंग है वो भी खुद से कर रही है। और अगर दोस्तों उसको आपकी जरूरत पड़ती है, अगर वो आपको बोलती है कि आप कंट्रोल ले लो, लेकिन अगर आप भी कंट्रोल नहीं ले पाते हो तो वो दोस्तों खुद से कम सेफली साइड में रुक जाएगी, ब्रेक लगा लेगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचने देगी। लेकिन दोस्तों बात फिर से यही है कि ये जो है वो सभी एरियाज में काम नहीं कर सकती है, सभी ड्राइविंग मोड्स में काम नहीं कर सकती है, कुछ सर्टेन कंडीशंस में काम करेगी। लेकिन यहां पे दोस्तों जो गूगल वगैरह हैं वो प्लान करते हैं कि वो ये वाले गाड़ियां लेके आए, और इसके अलावा जो बहुत सारी और कंपनीज हैं वो भी टारगेट करती है फिलहाल लेवल 4 यानी कि हाई ऑटोमेशन को। और दोस्तों इसके बाद जो निकल के आता है वो है लेवल 5 फुल ऑटोमेशन, मतलब कुछ करना ही नहीं है गाड़ी में दोस्तों। इनफैक्ट जो स्टेयरिंग है वो भी ऑप्शनल है कि भैया मतलब हो या ना हो एक ही बात है, आप ऐसे में जो ड्राइविंग सीट उसको भी गोल घुमा सकते हैं, पीछे दोस्तों उल्टा मुंह करके बैठ के बात कर सकते हैं, गाड़ी को आपकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी भी ड्राइविंग मोड में, चाहे वो गली हो, सड़क हो, हाईवे हो, बरसात, सर्दी, गर्मी, कुछ भी हो, कार दोस्तों अपने आप चलेगी, अपने आप रुकेगी, अपने आप मॉनिटर करेगी, उसको ह्यूमन का कुछ कंट्रोल चाहिए ही नहीं, और यहां पे ये सभी कंडीशंस में काम करेगी। तो ये दोस्तों बन जाता है एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक मोड जो कि है लेवल 5। लेकिन फिलहाल हम मार्केट में लेवल 2 में हैं, लेवल 3 को हम थोड़ा स्किप सा कर रहे हैं बिकॉज वो इतना कुछ डिफरेंट नहीं है लेवल 2 से। हम दोस्तों कोशिश करते हैं कि हम जाएंगे सीधा लेवल 4 में, और उसके बाद क्या पता आगे चल के फ्यूचर में लेवल 5 में। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप अगर सला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।